नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए, और इसमें हम न्यूटन के कुछ लॉज जो हैं उसके बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके पश्चात मैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के ऊपर बात करना चाहूँगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि किस प्रकार से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के हिसाब से और न्यूटन के जो तीन लॉज हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस बात पे चर्चा है। आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कमेंट अपने कैप्शन में दे दीजिएगा। परंतु न्यूटन के तीन लॉज, बेसिक लॉज हैं, उसके बात करते हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेंस एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस अदरवाइज डिस्टर्ब्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो अब प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि पेड़ पर एप्पल लटक रहा है, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल, पेड़ पर एप्पल, पेड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये पिन है, ठीक है, तो ये पिन मेरे हाथ पे ऐसा रहेगा, ये पिन मेरे हाथ पे ऐसा रहेगा जब तक कि मैं इस पिन को हटा ना दूँ। कोई एक्सटर्नल फोर्स ये है, और इससे, इस उंगली से मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और ये पिन हट जाएगा। या फिर सेम वे, अगर कोई बॉल मेरी तरफ आ रहा है, उस बॉल को मैं रोक सकता हूँ। तो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेनेशन का ऐसा है कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन पे तब तक रहेगी, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और ये तब तक रहेगी जब तक मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा डिस्टर्ब न कर लूँ। तो ये सबसे पहला लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा ये है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए जितना फोर्स लगेगा वो मास के प्रोपोर्शनल है, यानी कि F इक्वल टू एम इंटू ए, ऐसा है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और उसको गिरने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है, वो इसके मास के प्रोपोर्शनल है। ओके, तीसरा लॉ ऐसा है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस हाथ पे एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो हाथ भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा। इसका बेसिक अर्थ ये है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी संकाय, ये अपने आप में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। तो अगर मैं मान लीजिए कि ये ऐसा खींच रहा हूँ, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक इस सिस्टम की एक पर्टिकुलर लिमिट होगी, तो उसके बाद वो सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट इक्विलिब्रियम में रहता है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैं आपको फिर भी बताना होगा, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मोटा मोटा एक्सप्लेनेशन है। आप अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाना चाहते हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा सर के ज़रूर लेक्चर सुनिएगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। अच्छा, बहरहाल मैं अभी बात करूँगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के थ्योरी की या सिद्धांत की। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की है, ऐसी बात सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने नहीं की, गुरुत्वाकर्षण है, इस बारे में कोई भी द्वंद्व नहीं था, कोई भी दुविधा नहीं थी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में लटक रहा है, अगर फॉर एग्जांपल एप्पल ट्री में एप्पल लटक रहा है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ये सबको पता था। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने नहीं की, यह डिस्कवरी जो है वो न्यूटन ने नहीं की। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोपोगेट किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण ऑलरेडी है, मौजूद है, इस बारे में कोई भी दुविधा नहीं है। तो न्यूटन ने खोज क्या की, ये बात क्यों बार बार कही जाती है कि एप्पल ट्री पे एप्पल लटका था, न्यूटन उसके नीचे बैठे थे, एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा और न्यूटन के दिमाग में सिद्धांत आया या ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने कर दी। ऐसा मतलब ये बहुत साधारण एक्सप्लेनेशन है, मैं थोड़ा सा डीपर एक्सप्लेनेशन में जाना चाहता हूँ। तो डीपर एक्सप्लेनेशन क्या है,
अगर अगर अब देखिए, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखता हूँ, ठीक, ऐसा रख रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, यानी कि एप्पल जो है वो पेड़ से टूट के नीचे गिर गया, करेक्ट है? ये तो एक साधारण एग्जाम्पल हो गया, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन हो गया कि एप्पल जो है ये साधारण रूप से पेड़ से टूटा और ये नीचे गिर गया। ओके, अब थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। ये जो सूरज है या ये जो चांद है, ये चांद भी तो धरती के ऊपर है, ये सूरज भी धरती के ऊपर है, तो ये सूरज या चांद ये धरती के ऊपर क्यों नहीं गिरते? ये प्रश्न है ना, क्योंकि हमने तो ये एप्पल को पकड़ के रखा है, पेड़ ने एप्पल को पकड़ के रखा है, पेड़ से अचानक पेड़ के जो जिस डाली पे ये एप्पल लटका हुआ था वो कमज़ोर हो गया, एप्पल ज़्यादा भारी हो गया और नीचे गिर गया। लेकिन सूरज को तो किसी ने नहीं हिलाया, सूरज को किसी ने पकड़ के नहीं रखा है, सूरज नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? या चांद नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूरज को किसी चीज़ ने पकड़ के रखा है, क्या पकड़ के रखा है ये हमें नहीं पता। अब यहाँ विचार करने योग्य चीज़ है कि किस किस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। सूरज को किन लोगों ने पकड़ के रखा है? क्या अगर हर ऑब्जेक्ट को धरती अपने तरफ आकर्षित करती है, क्या सूरज को भी धरती अपने तरफ आकर्षित करती है? ये प्रश्न होना चाहिए ना, ये तुरंत प्रश्न हो जाए। चांद को भी धरती अपनी तरफ आकर्षित करती होगी, सूरज भी धरती को आपस में आकर्षित करती होगी। हमें ये भी पता है कि जिस दिन फुल मून डे होता है, जिस रात में फुल मून होता है या जिस रात अमावस्या होती है, उस दिन हाई टाइड और लो टाइड का अकरेंस होता है, ये भी आपको पता है। तो यानी कि इसका अर्थ यह हुआ, ये कल्पना कहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि चांद धरती पे आकर्षण का प्रभाव दिखा रही होगी और सूरज भी धरती पर आकर्षण का प्रभाव दिखा रहा होगा। चांद के होने से अर्थ में हाई टाइड या लो टाइड होता है, सूरज के होने से यहाँ पे दिन और रात होती है, सूरज के उतना ज़्यादा इफेक्ट आपको हमको ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन हम बाद में इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अगर फर्स्ट लॉ को देखा जाए तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनटिल अनलेस डिस्टर्ब बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ये पहली बात है। अगर पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो पृथ्वी को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सूरज इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कि जी, जिसको हम लोग 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, उतना आकर्षण हमें लगाना पड़ेगा। क्या पृथ्वी उतना आकर्षण नहीं लगा पा रहा है? और अगर लगा रहा है तो उसको खींच कौन रहा है? इसका मतलब सूरज बाय डिफॉल्ट एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे सूरज का पोजीशन और अर्थ का पोजीशन कहीं पे इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अर्थ जितना जोर सूरज पे लगा रहा है, क्या सूरज भी उतना जोर अर्थ पे लगा रहा हो? क्या ये इक्विलिब्रियम है? या फिर ये इक्विलिब्रियम है कि सूरज ने अर्थ को खींच रखा है और अर्थ ने सूरज को खींच रखा है और अर्थ को कोई और भी खींच रहा हो? तो मोटा मोटा अपन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, ओके, एवरी टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, दे इफेक्ट ईच अदर, यानी कि m1 m2 by r2, m1 मीन्स मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, m1 m2 एंड डिवाइडेड बाई द r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट।
ये दोनों ये अपने आप में आकर्षित करते होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम इतना फोर्स लगा नहीं पा रहे। अब ये प्रश्न ये है कि थर्ड वाला एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहाँ से आया। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी को सूरज अट्रैक्ट कर रहा होगा, सूरज को पृथ्वी अट्रैक्ट कर रही होगी क्योंकि म्यूचुअली अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्ट कर रही होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सूरज बड़े साइज में, हमको ये पता है कि सूरज का साइज बड़ा है, अर्थ का साइज छोटा है, इसका मतलब सूरज ने अगर अर्थ पे फोर्स लगाया तो सूरज का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, सूरज का फोर्स ज़्यादा, यानी कि अर्थ को जाके सूरज से चिपक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, बस ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं अर्थ को किसी और ऑब्जेक्ट्स ने खींच के रखा होगा, यानी कि सिस्टम में कोई और तीसरी ऑब्जेक्ट है जहाँ पे वो खींचे। तो कौन सी तीसरी ऑब्जेक्ट, और भी कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, ऐसे ग्रहों ने उसको खींच के रखा होगा। इसके अलावा हमें ये पता है कि सूरज की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, ये सूरज की परिक्रमा कर रही है। अगर पृथ्वी परिक्रमा नहीं कर रही होती, अगर परिक्रमा नहीं कर रही होती तो ज़रूर जाके सूरज से जाके चिपक गई होती। ओके, ये परिक्रमा जो है, जो परिक्रमा कर रही है वो कहीं ना कहीं इस फोर्स को बैलेंस करता है, और ये हमें समझना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ें जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है और जो न्यूटन के तीन लॉज हैं और ये जो सूरज की परिक्रमा है, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों, ये तीनों जो हैं अपन इनको अलग अलग नहीं देख सकते। एक तरीके से देखेंगे तो, और कनेक्टेड रूप से देखेंगे तो हमको गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत समझ में आएगा। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज तो बहुत पहले हुई थी। भाई गुरुत्वाकर्षण है, इस बारे में कोई भी डाउट नहीं था, लेकिन जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि न्यूटन ने दिया, वो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है और उसके बारे में हमने बात की। थैंक यू वेरी मच।